जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने चैनल पर यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस बना के डालूंगा, और उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो मैंने बना दिया है और मैंने अपनी साइट पे अपलोड भी कर दिया है। और आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, जहाँ जाके आप देख सकते हो। और आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, उसमें उसका नाम कैसे डालें, कैसे टैग ऐड करें और थंबनेल कैसे ऐड करें, उसके रिलेटेड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रोज चैनल। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको आपका यूट्यूब ओपन कर लेना है, और उसके बाद से जिस जीमेल आईडी से आपने आपका यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है वो आईडी से आपको यूट्यूब में लॉगिन हो जाना है। और उसके बाद में आपको जैसे ही आप आपके यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको एक आइकॉन मिलता है जहाँ पे आप माउस को ले जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है क्रिएट अ वीडियो और पोस्ट। तो इस आइकॉन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप दो तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हो, या आप यूट्यूब में डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो, या फिर आप आपके यूट्यूब स्टूडियो में जाकर वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो ये सिंपल रास्ता है, तो हम यहाँ आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि अपलोड अ वीडियो और गो लाइव। अपलोड वीडियो यानी कि हमने जो वीडियो बना के सेव किया हुआ है वो वीडियो, और गो लाइव यानी कि हम लाइव जाके वो वीडियो यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ से अपलोड वीडियो करना है जो हमने सेव किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे अपलोड अ वीडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा और जो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सिलेक्ट फाइल, यानी कि आपका जो वीडियो जिस फाइल में रखा हुआ है वो फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और वो वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, तो यहाँ से मैं अपना जो वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, और इसके बाद में आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपने आपका वीडियो का टाइटल जो नाम से सेव किया हुआ था आपके कंप्यूटर में वो दिखाई देगा। अगर आपको इस नाम से आपका वीडियो का टाइटल रखना है तो आप रख सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसको कट करके नाम बदल सकते हो। तो मेरे नाम बदलना है तो मैं इस वीडियो का नाम बदल सकता हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो मैंने अपने वीडियो का टाइटल रख दिया है, और उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हम वीडियो देखते हैं उसके नीचे जो लिखा हुआ आता है वो डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने जिसके रिलेटेड वीडियो बनाया है वो डिस्क्रिप्शन हमें टाइप कर देना है। अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन टाइप करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, या फिर आपको वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन टाइप करना है तो आप कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलता है जो है थंबनेल का, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो वीडियो में जो फोटो आ रहे उसका एक थंबनेल दिखाई देता है। और अगर आपने ये वीडियो के लिए अलग से थंबनेल बनाया हुआ है तो वो थंबनेल भी आप रख सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में आप नया चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जो आपका वेरिफिकेशन है वो करवा देना है। अगर आपको वेरिफिकेशन करना नहीं आता है तो आप कमेंट में मेरे को बताओ, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं थंबनेल सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये आइकॉन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नया इंटरफेस ओपन होके आता है, और यहाँ से मैं अपना जो जिस फाइल में मैंने जो मेरा थंबनेल रखा हुआ है उसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये मैंने अपना जो थंबनेल रखना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये जो वीडियो का थंबनेल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट किया हुआ। और उसके बाद में आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट, यानी कि आप इस वीडियो को किस प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका जो वीडियो है वो आप अपने प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो आपको अगर ये वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने
ओपन होगा इंटरफेस, और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड पहले से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नया बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आप ये प्लेलिस्ट का जो नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप करना है, और वो किसके लिए प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट पर टच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से इस वीडियो के लिए पहले से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं पेटीएम सिलेक्ट हुआ रखता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे और ऑप्शन दिखाई दे रहे हो, तो ये ऑप्शन में बोला जाता है कि आपका जो वीडियो वो किसके रिलेटेड है, ये बच्चों के रिलेटेड है या फिर बच्चों के रिलेटेड नहीं है। तो ये वीडियो बच्चों के रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक रखता हूँ, और उसके बाद में मोर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अगर आप आपके वीडियो में टैग ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आसानी से आप टैग ऐड कर सकते हो। टैग ऐड कैसे करते हैं उसके रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगा, और उसके बाद में आपको ये टैग ऐड करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपका जो वीडियो है उसका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ऐड हुआ आता है, तो मैं कोई कैटेगरी ऐड नहीं करूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज शो होगा, और इसमें यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड एंड स्क्रीन और ऐड कार्ड। ऐड एंड स्क्रीन यानी कि आपका जो वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद में आपने देखा होगा कि यूँ जो वो चैनल के रिलेटेड कई सारे वीडियो बताए जाते हैं उसको बोलते हैं ऐड एंड स्क्रीन, और ऐड कार्ड यानी कि आपको कई सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, तो वो यानी ऐड कार्ड। तो ये दोनों कैसे ऐड करते हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पे तो आपके सामने एक तीसरा पेज शो होगा, और उसमें बोला जाएगा कि आपका जो ये वीडियो है वो किसके रिलेटेड है, किसके लिए आपने रखना, किसके लिए आप रखना चाहोगे। तो ये मैं पब्लिक के लिए रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पब्लिक को क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे और दो ऑप्शन के प्राइवेट, अगर आपको प्राइवेट रखना है ये वीडियो तो आप प्राइवेट पर क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिश, तो आपको सिंपली वो पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यूँ प्रोसेस होगी, और उसके बाद में आपको अपने वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका ये वीडियो आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो ये लिंक को कॉपी कर दो, या फिर इस सोशल पेज में से किसी भी सोशल मीडिया पेज पर आप ऐड करना शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से शेयर कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे किसी को शेयर नहीं करना है तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना वीडियो है वो है आसानी से अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को